खड़ा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले मनोज सर मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाकर उनके भविष्य को सुधारा है और कई विद्यार्थी उनकी सरकारी विभागों में नौकरी भी कर रही है। सबसे पहले सर, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपकी कोचिंग से अनु ने टॉप किया है, उसके लिए भी बधाई सर आप। धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी बहुत। मैं सभी लोगों को, अपने क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, उन्हें मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ। लोगों के मन में जो भ्रांति फैली हुई है कि हम गांव के हैं, हम कमजोर वर्ग से आते हैं, मेरे पापा कमजोर हैं, मैं ठीक ट्यूशन नहीं पढ़ पाऊंगी, तो ये भ्रांति मात्र है। हम कमजोर हैं, लेकिन अब अपनी मेहनत को अगर हम आगे लाएं और लगातार उस चीज को सोचकर दिमाग में रखते हुए पढ़ाई करें, टीचरों के सही मार्गदर्शन में रहें, तो एक साधारण वर्ग का बच्चा भी अपनी अच्छी रैंक हासिल कर सकता है, टॉप कर सकता है, जैसा कि अनु ने करके दिखाया। अनु मेरी क्लास में ठीक बच्ची थी, कहीं ना कहीं ये मेरे को जूझती हुई दिखी बीच में, जूझ रही है पढ़ाई से। मैंने बोला, मैंने तेरे को जो चीजें जरूरत पड़े मेरे को बताओ, मैं तुम्हें सारी चीजें, किताब कॉपी से लेकर जो भी जो चीजें होंगी एक्स्ट्रा ट्यूशन तक की, मैंने इनसे बोला आप मेरे को बताओ। लेकिन ये हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, बोली कि सर मैं टॉप करना है, मेरे को टॉप करना है, मेरे पापा की इच्छा पूरी करनी है। देखिए, पापा से मेरे बड़े अच्छे संपर्क थे, तो उनके मेरे पे कुछ एहसान भी थे, उनकी शालीनता, उनका सीधापन बहुत ज़्यादा मायने रखता था मेरे लिए। तो उन्होंने जब मेरे पास अनु को लेके आए, जब उनकी बड़ी बहन पूनम ने टॉप किया था, तो उन्होंने बोला था कि मनोज सर पूनम अच्छी थी, अनु पे हमें कम भरोसा है। तो मैंने बोला, मैंने कहा हाँ आप सही बोलते हैं, मैंने कहा लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अनु को भी सही नंबर दिलवाऊंगा। सहयोग से या हमारे दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि उन्हें हमें छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद मेरे को बहुत दुख हुआ, मैंने बोला मैं उन्हें ऐसा क्या उपहार दूं कि वो वहां से भी देखकर मेरे को खुश हो जाएं और बोलें कि मनोज तुम ठीक काम कर रहे हो। तो मैंने अपने मन में ये बात कहीं ना कहीं अंदर से छिपा कर रखी, मैंने कि मैं इस बेटी को मैं कहीं ना कहीं आगे ले जाऊंगा, मैंने कि इसे टॉप भी कराऊंगा और भगवान ने चाहिए तो बहुत शीघ्र से सरकारी नौकरी भी दिलवाऊंगा। मैंने ऐसे भी बोला है, मैंने कि जहां भी तुमको कोचिंग करनी है कोचिंग करो, और मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा, बाधा नहीं कर सकता क्योंकि ये निश्चित नहीं है, लेकिन मैं आश्वासन दे सकता हूं कि बहुत जल्द मैं इस बेटी को सरकारी नौकरी में जरूर भेजूंगा, अगर ये पढ़ती रही जिस तरह से अभी पढ़ रही है, और मैं पढ़ाता रहा जिस तरह से अभी पढ़ा रहा हूं, और हम दोनों के संपर्क ऐसे बने रहे जैसे अभी हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि ये बच्ची बहुत शीघ्र सरकारी दफ्तर में होगी, किसी अच्छे दफ्तर की शोभा बढ़ा रही होगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। सर आपकी मुंह पर सरस्वती विराजमान रहती है, आप जो बोलते हो जाता है। हर वर्ष आपकी कॉलेज से टॉप करते हैं बच्चे ट्यूशन को कुछ सेंटर से, और आपने कई विद्यार्थियों को सरकारी विभागों में भेजा है, क्योंकि आप इंटर के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी कराते हैं। तो जो बोलते हैं सच कैसे साबित हो जाता है, कैसे आप दावे के साथ कह देते हैं? मैं जो बोलता हूँ सच साबित नहीं होता, वो सब भगवान की देन है। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि मैं बोलता हूँ वो सच होता है ज्यादातर, वो है बच्चों की मेहनत। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता रहूं तो थोड़ी नहीं हो जाएगा, मैं किसान से बोल दूं तुम अधिकारी बन जाओ, वो तो नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा मैं बोलता हूं तो बच्चों से मैं कनेक्टिविटी देता हूं, बच्चों से लगा बनाता हूं, अब अपनी इज्जत बच्चों के हाथों में सौंप देता हूं। मैं बच्चों को देता हूं अपनी इज्जत, ये देखो ये मेरी इज्जत आपके हाथ में, आप बचाना तो बचा लो, नहीं है तो आप जो करो सो कर लो। बच्चे मेरे से इतना लगाव करते हैं कि मैं बोलूंगा कि आप इधर आना है तो उधर ही आएंगे, मैं बोलूंगा ये पढ़ना है तो पढ़ेंगे। मैंने बच्चों से बोला रात को 10 बजे के बच्चों मेरे यहाँ थोड़ा सा प्रोग्राम आ जाओगे, बोले सर आप कब आना तब बताओ। मैंने मेरे विवेक सर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो भी आपसे थोड़ी देर पहले मुखाबिल हुए थे, उनसे भी मैंने बोला, बोले आपने बहुत देर से बताया मेरे को मैं कहाँ से आऊँ, मैंने कहा आप सर कैसे भी आ जाइए। वो बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छी पोस्ट पे अभी वो पदासीन है, मेरे गांव के प्रधान जी, पूजनीय प्रधान जी, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानता हूँ। उनसे भी मैंने फ़ोन किया, प्रधान जी अगर आ जाएंगे तो मेरी शोभा बन जाएगी, कि मैं आऊँगा जरूर, क्यों नहीं आऊँगा, आप बोल तो दो। उनसे बोला तो उन्होंने भी तुरंत शीघ्र ही, हालांकि वो कहीं बाहर से आए थे रात में, पूरे में लेट आया हूँ 12 तक में, लेकिन तुम आप बोलो मैं जरूर आऊंगा, वो भी आए। तो क्योंकि ऐसे लोग मेरे को प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे लोग मेरे से बोलते हैं, प्रधान जी ने जैसे मेरे को बोल रखा है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बच्चों को मेरे गाँव के बच्चों को मेरे को ट्रेंड करके दो, अच्छे बच्चे दो मेरे को, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, किसी बच्चे के पास पैसा नहीं है मैं पैसा दूंगा पढ़ाई के लिए, किसी बच्चे के पास किताब नहीं है मेरे को कॉल करो मैं किताबें उपलब्ध कराऊंगा उस बच्चे के लिए। उन्होंने मेरे को सारी तरह से दे रखी, इसलिए उन ऐसे लोगों की बदौलत मैं और आगे पैर रख देता हूँ। मैं यहाँ तक कि मैं बच्चों की ये भी जिम्मेदारी ले लेता हूँ कि आपको पैसा नहीं है तो मैं दे दूंगा, आ जाओ पढ़ने के लिए, फीस माफ करना मेरा काम है, फीस तो नहीं लूंगा। देखा भी, आप फीस भी नहीं लेते, बच्चों को पढ़ा देते हैं। वो मैं बच्चों की स्थिति के हिसाब से चलता हूँ, मेरे को लगता है कि बच्चे ज्यादा जरूरी है फीस से।
सर आपने ये देखा था पहले जब आपने पढ़ाई की थी तो ऐसा समय आपके पास आया था जो आप इस समय कर रहे हैं? मैंने देखा था कि कुछ टीचर ऐसे थे बच्चों की योग्यता के हिसाब से वो बच्चों को ट्रीटमेंट देते थे। मेरे को भी दो चार टीचरों की बड़ी योग्यता रही, विश्वनाथ शर्मा जी जो पढ़ाते हैं वो मेरे को लगा। जहाँ 1,000 रुपये फीस हुई तो मैंने उन्हें 800 दिए, तो उन्होंने मेरे को मना नहीं किया, बोला कि अच्छे नंबर ला के देखा, 800 ही ठीक है। तो मैंने सोचा, मैंने कि इन्होंने 1,000 की जगह 800 लिए, मैं 1,000 की जगह 100 रुपये लूंगा, किसी भी 100 नहीं होंगे तो 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मैंने कि मेरा उद्देश्य अब मैं ऐसे लोगों से कुछ सीखा, तो मैंने कि लोगों ने मेरे को कहीं ना कहीं किसी से तो देखा होगा मैंने ये चीजें, कि ऐसा भी कर सकते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, कि आप पैसे की भरोसे ट्यूशन चलते हैं। ट्यूशन कोई परछूनी की दुकान नहीं है कि आप 50 रुपये दो आधी किलो बूरा तुलवा लो, ट्यूशन ट्यूशन है। यहाँ गुरु और शिष्य का भी रिश्ता चलता है, और गुरु और शिष्य के रिश्ते में पैसे की कोई अहमियत ही नहीं है। वहाँ हमें हमेशा बच्चों को उद्धार पे लेके आना है, ये बच्चे सफल हो जाएंगे तो जब आशीर्वाद देते हैं इनके मन से जो बातें निकलती हैं, इनके परिवार के लोगों के अंदर की दिल से जो बातें, जो आशीर्वाद मिलता है, मुझे नहीं लगता वो किसी और जगह से कमाया जा सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बच्चे इसी तरह बढ़ते रहें, बड़े लोगों का मेरे पास आशीर्वाद बना रहे। मैं समय नहीं दे पाता, हल्का पूरा समय देता हूँ बच्चों को, तो जहाँ भी समय दे पाता हूँ उतने से मेरे बच्चों का भला होता रहे। और ना मिले, मैं बोलता हूँ कि मेरे बाद भी कोई ऐसा टीचर और मिले मेरे इस गाँव को, आवल खेड़ा को भी मिले, कि फीस को अहमियत ना दी जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, गरीब बच्चे उनको प्लीज पढ़ाएं। सब अध्यापकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया फीस को अहमियत ना दें, बच्चों को अहमियत दें, बच्चे की टैलेंट को देखें, बच्चे की स्थिति को देखें, उस तरह से बच्चे को ट्रीटमेंट दें। कृपया मैं फिर दोबारा निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यापकों से बच्चों को बढ़िया ट्रीटमेंट दें, अपना बच्चा समझ के ट्रीटमेंट दें, ताकि मेरे बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। धन्यवाद, धन्यवाद सर। मेरे साथ में खांडा कोचिंग सेंटर के संचालक मनोज सर से इनका कहना है कि जो भी और भी टीचर हैं वो कहीं ना कहीं पैसों को तवज्जो ना दें, बच्चे की स्थिति को देखकर उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य करें। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहूंगा जो विद्यार्थी इस अभाव में अपनी शिक्षा को छोड़ देती है कि हम गरीब हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं या हमारे परिवार के पास संसाधन नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो एक बार फिर दोबारा अनु को देख ले, उनकी सिस्टर पूनम को देख ले, या खांडा कोचिंग सेंटर की जो 5 वर्षों से टॉपर रहे हैं उनको देख लें, क्योंकि वो भी ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो कि कहीं ना कहीं बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने छोटे संसाधनों से भी पढ़ाई करके टॉप किया है। ऐसे ही नहीं बल्कि दान कुंवर इंटर कॉलेज को टॉप किया है। तो भी सभी विद्यार्थी जो हमें सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर आप खाना पंचायत से हैं तो आप भी मनोज सर के पास आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये मुझे पूछते हैं कि काना आपने कहाँ से पढ़ाई की है और आपके गुरु कौन है, तो मैं आपको आज साक्षात दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। मैंने भी मनोज सर से पढ़ाई की है और मैं जो कुछ भी हूँ आज मनोज सर की बदौलत हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत वीकनेस था जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था, लेकिन 9th में एडमिशन लेने के बाद में मनोज सर ने मुझे इतना हाई कर दिया कि मैंने ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किया, लेकिन अब मैंने अपनी रिप्लेसमेंट पत्रकारिता में कर ली है। तो जो भी साथी कमेंट बॉक्स में सवाल करते हैं उनको मेरे कमेंट बॉक्स का सवाल का आंसर मैंने दे दिया है, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही खाना कोचिंग सेंटर लगातार ही विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम पंचायत खांडा में क्रांति लाती रहेगी और उसका भरपूर सहयोग ग्राम पंचायत खांडा के प्रधान जिनको यादव जी भी देते रहेंगे।